और इसको क्या ले सकते वन माइनस एक्स टू दी पावर नाइन हमने वन माइनस एक्स टू दी पावर टेन को हमें स्प्लिट कर दिया क्योंकि बेस सेम होता है पावर जेड हो जाती है पास. और यहां पे ले सकते है? 1 +x +x2 9. अब हम ये कौन सी फॉर्म है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सो उसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस so, बी स्क्वायर सो यहाँ से ले सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 +x +x2 या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू नाइन ये यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा और यहाँ पे क्या 1 of x square. So, equation आ जाएगा वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर सो ये इक्वेशन आ जाएगा हमें हमें पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सो so, अब हम इसको क्या ले सकते हैं ये हमारी कौन सी फॉर्म है ये फॉर्म है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी सो यहाँ से ले सकते हैं 1 into, यहां पे हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी द पावर नाइन सो अब अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे सो so, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा वन माइनस एक्सक्वायर इंटू यह आ जाएगा हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करते हैं नाइन सी आर माइनस वन टू पावर आर इंटू एक्स टू पावर थ्री आर यह आ जाएगा हमारे पास सो so, अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई uh, कर देते हैं अंदर तो हमारे पास क्या आएगा नाइन सी आर माइनस वन टू पावर आर इंटू एक्स टू पावर थ्री आर और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ नाइन सी आर माइनस वन टू आर और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स टू पावर थ्री आर प्लस टू येगा क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर जेड हो जाती है अब हमें की बना है एक्स टू की पावर एटीन का कोफिशियन ढूंढना है सो so यहाँ से अब हम एक्स की पावर एटीन आनी चाहिए सो यहाँ से हम बोल सकते थ्री आर इज इक्वल टू एटीन या यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री आर प्लस टू इक्वल्स टू एटीन सो यहाँ से देख सकते हैं आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिक्स आ जाएगी और यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी आर की वैल्यू आएगी सिक्सटीन बाई थ्री जो कि हमारी डेसिमल में आएगी तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर कितनी 6 आएगी हमारे पास सिक्स आएगी सो सिक्स को हम इसमें पुट कर देते हैं सो so, हम बोल सकते हैं द कोफिशियंट ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स टू दावर एटीन कितना आ जाएगा एक्स टू दावर एटीन का कोफ़िशेंट हमारा आ जाएगा नाइन सी सिक्स अगर यहाँ पे पुट कर देंगे आर की वैल्यू सिक्स तो यहाँ पे क्या आएगा नाइन सी सिक्स माइनस वन टू दावर सिक्स सो माइनस वन टू दावर सिक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो ये ले सकते हैं नाइन सी सिक्स सो नाइन सी सिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम हमें पता है इसको कैसे ले सकते हैं हम यहाँ पे देखते हैं एन को कैसे ले सकते हैं एन सी आर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल ये क्वेश्चन आ जाएगी हमारे पास सो so, इसको क्या ले सकते हैं अब हम नाइन फैक्टोरियल अपॉन ये आ जाएगा थ्री फैक्टोरियल इंटू सिक्स फैक्टोियल जिसकी वैल्यू कितनी होती है इसको हम ले सकते हैं नाइन इंटू एट इंटू सेवन अपॉन थ्री इंटू टू सिक्स सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास थ्री टू जा थ्री थ्री जा और ये कितना आ जाए टू फोर जा सो थ्री फोर जा ट्व ट्वेल्व सेवन जाट्टी फोर सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा एट्टी फोर हो जाएगा हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं सो so, हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर वन हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा थैंक यू क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर